अस्सलाम वालेकुम महबूब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका AWS के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, राइट? और या उन्होंने कभी पहले AWS यूज़ किया है? हैंड रेज कीजिएगा। किसी का भी AWS के ऊपर अकाउंट नहीं है? सर, एक सेशन लिया था पहले AWS के वाले से और अकाउंट भी क्रिएट किया था, लेकिन उसके बाद कभी ओपन नहीं किया अकाउंट। ना उसके बारे में कोई इन्फो है। ओके, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेशन से लर्न करना? जो हम करेंगे, अगर आपके पास AWS का अकाउंट नहीं होगा तो आप किस तरह से हैंड्स ऑन करेंगे? अकाउंट क्रिएट कर लेंगे सर। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आई थिंक आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। आपके पास क्रेडिट कार्ड है? आप में से कितने लोग हैं जी जिनके पास क्रेडिट कार्ड है? मेरे पास है, आपका AWS के ऊपर अकाउंट है? मेरा AWS का वो फ्री टीयर वाला अकाउंट है। ओ जबरदस्त। फ्री टीयर भी ठीक है, मेरे पास खुद फ्री टीयर है। वो मैंने AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला सर्टिफिकेट किया था, तो उसके साथ मैंने बनाया था उस टाइम। यानी आपको तो AWS काफ़ी आता है, राइट? वो प्रैक्टिशनर लेवल आता है, उसका सर्टिफिकेट है मेरे पास, बस वो मैंने अभी ही किया है, पिछले दिसंबर में ही किया है। आई थिंक इस वेबिनार में तो हम बेसिक चीज़ें करेंगे, मे बी जो आपको सारी आती हों, तो आई डोंट नो व्हाट आई वैल्यू आई कैन प्रोवाइड टू यू। सर क्या बात कर रहे हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जनरल हाई लेवल आइडिया मैं दे देता हूँ आपको AWS का। तो एक मिनट रुकिएगा कि मैं अपना विंडोज सेट करूँ। मुझे बताइएगा, जब मेरी स्क्रीन शेयर हो आपके साथ, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर, हो रही है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोड एडिटर, स्टैटिक वेब पेज का आइडिया है आपको? स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज फर्क क्या है दोनों के अंदर, और क्या होता है ये, और बेसिकली डिप्लॉयमेंट किस तरह से सोचते होती हैं वहीं पे पड़े रहते हैं, है? स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? जिसके एसेट्स जो हैं वो वहीं पे सेम एक ही सर्वर पे पड़े रहते हैं, मतलब वो बार बार एसेट अलग किस से क्या चीज को आप चेंज कह नहीं हो रहे रहे हैं? थे। एसेट्स से मतलब उसकी, फॉर एग्जांपल उसकी लोगोज, पिक्चर्स, और उसके फॉन्ट का जो भी होगा स्टाइल, वो सब इन्फॉर्मेशन जो भी उसकी चीज़ें हैं, उसका फॉर स्टाइल शीट, वो सब चीज़ें वहीं ओके। पर। और डायनामिक वेब पेज किसे कहते हैं फिर? डायनामिक वो जो फिर अलग अलग जगहों से वो अपनी वो चीजें फेच कर रहा होता है, और उसकी लाइक उसकी इमेजेस उसके ऊपर दूसरी दूसरी चेंज हो रही होती हैं, अलग अलग अपलोड हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज किसी वेबसाइट के ऊपर अपनी नई नई पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, तो फिर वो डायनामिक होंगी, बिकॉज वो एसेट्स उसके चेंज हो जा रहे हैं। ओके। सो बेसिकली जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मेरी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है स्टैटिक और वेब पेज की और डायनामिक वेब पेज की, वो ये है कि अब अगर आप जो डाटा शो कर रहे हैं वेब पेज के अंदर, वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है ना, तो आप डायनामिक वेब पेज के साथ डील कर रहे हैं। अगर वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है तो आप स्टैटिक वेब पेज के साथ डील कर रहे हैं, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है, जिस तरह से अब ये एप्लीकेशन, ये रीजन, ये क्रिएट एप्लीकेशन, गो टू माई एप्लीकेशन, अब इधर जो डाटा आएगा वो पीछे किसी डाटाबेस से आएगा, राइट? अब डाटाबेस जैसे ही अपडेट होगी तो ये वाला पेज भी अपडेट होगा, राइट?
तो इस वजह से इसे डायनामिक वेब पेज कहेंगे, जिस तरह से ये प्राइसेस आ रही हैं, तो इस वजह से इसे डायनामिक वेब पेज कहते हैं क्योंकि ये डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है। स्टैटिक वेब पेज उसे कहते हैं कि जो डाटाबेस से कनेक्टेड ना हो, राइट। स्टैटिक वेब पेज के अंदर आपके पास कंटेंट स्टैटिक होता है, आपके पास चेंजेस जो हैं वो वेब पेज के ऊपर शो नहीं होती, क्योंकि वो जैसे ही आप उसे डिप्लॉय करेंगे वैसा का वैसा ही वो पेज थ्रू आउट द लाइफ रहेगा, राइट। जिस तरह पोर्टफोलियो वेबसाइट्स अक्सर होती हैं तो वो स्टैटिक वेब पेज होती हैं, राइट। तो इस वेबिनार का जिस तरह टाइटल है, स्टैटिक वेब पेज हमने डिप्लॉय करना, देखना है कि हम स्टैटिक वेब पेज को डिप्लॉय किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम स्टैटिक वेब पेज एक बनाएंगे और उसके बाद उसे डिप्लॉय करेंगे, और अगर मेरा वीएस कोड खुल जाए तो अच्छा हम कर सकते हैं। एक्चुअली क्लाउड के अंदर बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो सिंपल ही होती हैं, जो भी आपने करना है क्लिक करते रहेंगे तो वो इन द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ बन जाएगा जो आप बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ इलास्टिक हो गई है, सर्वरलेस होती जा रही है, तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन वो सर्विसेज की आपस में डिपेंडेंसीज और वो मैनेज करना शायद हो, क्योंकि मैंने अभी तक कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया नहीं है क्लाउड के ऊपर, तो इसे देखते हैं। स्टैटिक वेब पेज, ओके। नेक्स्ट, तो हम एक सिंपल वेब पेज बनाते हैं जो कि क्या करेगा कि स्टैटिक होगा, लेट्स सपोज कैलकुलेटर हम बना लेते हैं या सिंपल हेलो वर्ल्ड का वेब पेज बना लेते हैं। हम बेसिकली हमने देखनी है उसकी डिप्लॉयमेंट है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप हर फाइल की एक अलग फाइल बनाएं, राइट। आई होप कि आपको बेसिक HTML, JavaScript और CSS आती होगी, राइट। तो HTML के अंदर ये जो है ये बॉयलर कोड होता है, एमिट टाइप आप उससे करेंगे तो ये बॉयलर कोड आपके पास आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इस पेज को कनेक्ट करना है अपने बैक एंड जावास्क्रिप्ट की लॉजिक से, राइट। तो वो करने के लिए आप क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, और यहाँ से स्क्रिप्ट को सोर्स से जो है ना आप उस फाइल का नाम दे देते हैं, इस केस के अंदर वो index.js है, राइट। और उसके बाद स्टाइल शीट जो है वो मैंने अलग बनाई है, तो उसको भी आपने लोड करना है। तो स्टाइल शीट को लोड करने के लिए आपने स्टाइल शीट और href, इसका मतलब यह है कि मैं इससे बता रहा हूँ कि स्टाइल शीट हमारी कौन सी है, राइट। स्टाइल शीट का टी रह गया। और एक होता है लाइव सर्वर, राइट। लाइव सर्वर आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है जो इस पेज को होस्ट करेगा, तो आप उसे वीएस कोड के अंदर एक्सटेंशन होती है वो आप इंस्टॉल कर लें, तो आप उसे .html5 को लाइव सर्वर से ओपन करेंगे तो वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो अब ये देखें, हेलो वर्ल्ड का स्टैटिक वेब पेज बन गया। अब ये एक स्टैटिक वेब पेज है, आप इसके अंदर जितना भी करना चाहे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके पूरा Airbnb का आप या इंस्टाग्राम को पूरा क्लोन बना सकते हैं, बना सकते हैं इसी HTML, JS और CSS को यूज़ करते हुए। अब ये देखना है मैंने कि क्या ये CSS और HTML दोनों आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं। तो उसके लिए मैं सिंपल बैकग्राउंड कलर रेड, रेड किस पर, रेड ऐसा हो गया। ठीक होगा। तो ये देखें, तो मैंने बैकग्राउंड कलर रेड किया तो ये चेंज हो गया है, राइट। इसी तरह से आप, इसका मतलब क्या है कि स्टाइल शीट HTML के साथ कनेक्टेड है। अब ये देखना है कि क्या JS हमारी कनेक्टेड है उसके साथ या नहीं, राइट। तो JS कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल कंसोल लॉग कर, तो हेलो वर्ल्ड
तो ये कंसोल के अंदर हेलो वर्ल्ड शो करेगा। अब मुझे जो है ये सफारी के अंदर इसका वो ओपन नहीं करने आता इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो इस वजह से मैं इस पेज को जो है वो उसके अंदर ओपन करूँगा क्रोम के अंदर। तो राइट क्लिक आप करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर और इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे, तो ये आपके पास देखें ये पूरा का पूरा एक आपके पास जो है ना ये जो विंडो खुली है ये एक इंजन है जो कि रन करता है जावास्क्रिप्ट को, इसे V8 इंजन कहते हैं, राइट। और ये देखें ये हेलो वर्ल्ड आ गया आपके पास जो कि हमने टाइप किया था कंसोल के अंदर। तो बेसिक कैलकुलेटर हम बना लेते हैं जो कि जिसको हम डिप्लॉय करेंगे इन द एंड ऑफ द डे, राइट। कैलकुलेटर के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं हम, और फॉर्म पहले एक इनपुट लेगा और आईडी से कह देते हैं val1, और एक और इनपुट लेगा val2, और एक इसके अंदर बटन होगा कैलकुलेट। ये क्या करेगा कि आप इसे दो वैल्यूज देंगे ये दोनों को प्लस करके आपको दे देगा, ये बेसिक कैलकुलेटर है। और इधर एक और हमने इधर हम कुछ भी बना सकते हैं, लाइक इनपुट भी बना सकते हैं, पी टैग भी बना सकते हैं, डिव भी बना सकते हैं, लेकिन इनपुट हम यूज करते हैं। तो लेट्स सी के फ्रंट एंड के पेज के ऊपर क्या आया है। तो अब ये देखें आपके पास ये val1 आ गया, val2 आ गया, कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको तीसरी वैल्यू जनरेट करके देगा। देखते हैं अभी कुछ होता है, 1 2 3 3 2 3, राइट। तो कुछ भी नहीं हुआ, राइट। ओके, अब देखते हैं कि इन वैल्यूज को हम हैंडल किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि वो जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है उन बॉक्सेस के अंदर, इनपुट के बॉक्सेस के अंदर, सबसे पहले उन वैल्यूज को रिट्रीव करना है। उन वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले वो जो कंपोनेंट है उसको रिट्रीव करना है। तो val1 कंपोनेंट हमने किस तरह से लिया था, डॉक्यूमेंट डॉट ये क्या था, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसी तरह से सेकंड एलिमेंट अगर आपने लेना है तो उसको जो है क्या करना है, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो आप अनम्यूट करके पूछ लें। लाइक पिछले सेशन में भी मुझे एहसास हुआ है कि शायद मैं बहुत तेज पढ़ा रहा था, कुछ क्वेश्चन इतने लोगों ने नहीं पूछा, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि मैं ऑन द गो पढ़ाता रहता हूँ, मुझे मैं अज्यूम करता हूँ कि सबको समझ आ रही है, राइट। ओके, उसके बाद एक और हम देखते हैं कैलकुलेट का जो बटन है इसको भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इधर हम क्या कहते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी कैलकुलेट, राइट। अब ये देखते हैं कि ये जो तीन एलिमेंट जो है हमने बनाए हैं ना इधर, ये वाले फॉर्म एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट है जिसकी आईडी है val1 val2, और ये जो बटन है इसकी आईडी हमारे पास क्या है, कैलकुलेट, राइट। अब देखते हैं कि जैसे ही बटन क्लिक होता है उसको अब ये देखते हैं कि इनकी वैल्यू आती क्या है ना, जब वो यूजर एंटर कर देता है क्या हम वैल्यू इधर अचीव कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कैलकुलेट के बटन के ऊपर एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर, और ये इवेंट होगा क्लिक। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्लिक इवेंट कॉल हो तो एक कॉल बैक ये करेगा, राइट। और इस कॉल बैक के अंदर क्या हम करेंगे, कॉल बैक के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यू हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, राइट।
अब मैंने यहाँ पे ये वैल्यू बना दी है, ये 1 2 3 इधर मैंने डाला, 4 3 2 डाला, तो ये देखें तो थोड़े से टाइम के लिए आपके पास जो है ना वो आया था, यानी वैल्यूज आई थी, फिर वो गायब हो गई, राइट। फिर दोबारा से निकाल के देखते हैं, गौर से देखिएगा, ये जो कंसोल नहीं है इस जगह पे, ये वाली जगह इधर देखिएगा, ये थोड़े से टाइम के लिए आएगा, फिर वो चला जाएगा, राइट। आपने जिस तरह देखा, सो ये क्यों जा रहा है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो कॉल बैक होती है, ये बाय डिफॉल्ट एक इवेंट भी सेंड करता है ना, राइट। अब उस इवेंट के ऊपर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये क्या करता है, पेज को, वो फॉर्म को जो है ना, जब भी कोई सबमिट का बटन होता है ना, ये इसका जो सारे का आर्किटेक्चर है, ये लास्ट के ऊपर जो बटन है ना, ये बाय डिफॉल्ट समझ रहा है कि ये फॉर्म का सबमिट बटन है। जैसे ही फॉर्म का सबमिट बटन क्लिक होता है, ये क्या करता है, फॉर्म की वैल्यूज को कर देता है जीरो से, यानी री इनिशलाइज कर देता है। और टेक्निकली जब आप प्रोडक्शन लेवल का कोड करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे उसे एक एपीआई देते हैं, राइट, एक्शन के अंदर। तो एक्शन के अंदर आप उसे वो कॉल बैक मेथड दे सकते हैं कि जैसे ये बटन क्लिक हो ना, तो आप ये वाला एक्शन परफॉर्म करें, ये वाली कॉल बैक जो है ना चलाएं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये कोई एपीआई रिक्वेस्ट होती है जो कि बैक एंड के ऊपर जाती है, राइट। लेकिन अभी हम इस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि एपीआईज बनाना और वो अलग एक, वो आउट ऑफ द स्कोप है फिलहाल इस वेबिनार के। तो आप देखें तो हमने प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया है, तो आप इसकी वैल्यूज को देखते हैं। तो अब जिस तरह आपने देखा है प्रिवेंट डिफॉल्ट किया, तो फॉर्म की वैल्यूज उधर की उधर ही रही हैं, लेकिन ये जो है फॉर्म की वैल्यूज उधर की उधर ही रही हैं, यही मैं बताना था। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि जैसे ही हम क्लिक करें तो कैलकुलेट के अंदर वैल्यू आ जाए, और value 1 और value 2 की वैल्यू वापस जो है इनिशियलाइज हो जाए जीरो से। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्स्ट रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेते हैं val1 डॉट वैल्यू प्लस val2 डॉट वैल्यू, राइट। और ये जो कंपोनेंट हमारे पास रिजल्ट का कंपोनेंट था ना, ये वाला लास्ट वाला जो कंपोनेंट हमने बनाया इनपुट, इससे भी आईडी देते हैं जिसके अंदर हम रिजल्ट अपना स्टोर करेंगे, राइट। और इस कंपोनेंट को भी हमने रिट्रीव करना है, तो इसको रिजल्ट कह देते हैं और इसको रिजल्ट कह देते हैं, राइट, और इसको आंसर कह देते हैं। तो ये आंसर क्या है, दोनों वैल्यूज का सम हमने परफॉर्म किया, और सम करने के बाद रिजल्ट के की वैल्यू के अंदर आंसर को अपेंड करती है, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यूज आपने val1 और val2 के अंदर एंटर किया और कैलकुलेट पे क्लिक किया ना, तो उनका जो आंसर होगा वो आंसर की वैल्यू रिजल्ट के अंदर वो चला जाएगा, राइट। तो 1 2 3 और 3 4 3, राइट। कैलकुलेट पे मैंने क्लिक किया, तो अब ये देखें इसने, अच्छा देखिए ये 1 2 3 और 3 4 3 इसने क्यों किया, ये इसने दो स्ट्रिंग्स को कंकेटिनेट कर दिया, ऐसा ही है गाइस। ये वैल्यूज क्या का स्ट्रिंग ले रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग आपस में अपेंड हो रहा है हमारे पास। करूं इसको, मैं चाहता हूं वैल्यू सम आए मेरे पास, क्या करूं। टाइप कास्टिंग का पता है आपको, जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप कास्टिंग किस तरह से होती है, मुझे इसका आइडिया तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी के C++ में इस तरह हो जाती है, तो इधर होती है यानी, तो लेट्स सी। नहीं, सर इंट नंबर का इज नॉट फंक्शन है, डिफाइंड, ओके। सर नंबर। हाँ सॉरी, नंबर होता है, यस आई गेट। तो नंबर हमने लेना है, नंबर x इज इक्वल टू val1 डॉट वैल्यू, एंड नंबर, सर नंबर एक फंक्शन है, उसके अंदर आप 12 डॉट वैल्यू।
सॉरी, लाइक नंबर एंड की जगह आप कह रहे हैं नंबर करूँ? यस सर, ओके एन कैपिटल। ओह ग्रेट, थैंक यू। तो अब देखें तो तकरीबन हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। अब इस एप्लीकेशन को हमने डिप्लॉय करना है। इस एप्लीकेशन में तकरीबन हर चीज़ ही है। मे बी तो किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक जो एप्लीकेशन हमने बनाई है, किसी को ना समझ आई हो ये? अब इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के तीन तरीके हैं ना, और हम वो तीनों के तीन करेंगे AWS के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट विद मेथड वन। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन तीनों को जो है जिप करना है। जिप करने के लिए आप क्या करेंगे कि ओपन विद कंप्रेस, राइट? ये जो कंप्रेस का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। आपके आई थिंक विंडो अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है मूव टू आर्काइव डॉट जिप, इस तरह से कोई ऑप्शन होगा ना, तो इसको आप करेंगे। तो इसके अंदर मैं उससे कह देता हूँ वेब पेज डॉट जिप, राइट? अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने इसके अंदर फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखना है एटलीस्ट। बाकी आप जिन फाइल्स का नाम बेशक चेंज करते हैं, लेकिन ये जो रूट फाइल है इसका नाम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही रखना है। तो मैं कह रहा था हमारे पास टोटल तीन मेथड हैं इसको डिप्लॉय करने के। पहला मेथड है कि आप एम्पलीफाई यूज़ करें। एम्पलीफाई का मेन मकसद ही ये है AWS के ऊपर के वो स्टैटिक वेब पेज को डिप्लॉय करें। दूसरा मेथड है S3 बकेट को यूज़ करें। S3 बकेट का मेन काम वेब पेज डिप्लॉय करना नहीं है, लेकिन हम उसके अंदर परमिशंस और कंट्रोल्स को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि वो एज अ जो है स्टैटिक वेब पेज काम करे, राइट? उसकी वजह क्या है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास बकेट के अंदर ये तीन फाइल्स पड़ी हुई हैं और आप इन फाइल्स को पब्लिक कर देते हैं, और यूज़र आके क्या करता है कि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल को व्यू करता है। तो एच टी एम एल फाइल जो होती है वो बेसिकली एक वेब पेज की फाइल होती है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एंटर करूं तो मेरे पास ये वेब पेज खुल जाता है, राइट? तो अगर यही फाइल्स हमारे पास S3 बकेट में हैं और इसका कोई पब्लिक हमारे पास वो लिंक है और यूज़र आके उसके ऊपर क्लिक करता है और वो खुल जाती हैं, राइट? तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू होस्टिंग अ स्टैटिक वेब पेज, राइट? और तीसरा, ये दो मेन मेथड है, राइट? मेक फाइल्स पब्लिक। और तीसरा मेथड जो है वो बेसिकली एज सच मेथड नहीं है, लेकिन वो सेकंड मेथड जो है इसकी ऑटोमेशन है, राइट? जो हमने सेकंड मेथड यूज किया ना, इसको ऑटोमेट करने, आपकी फाइल्स खुद अपलोड हो, खुद ही वो सारी परमिशन चेंज हो और खुद ही उसका एक यूआरएल आपको रिटर्न हो, आप उस यूआरएल को देखें तो आपके पास वो सारी चीजें हो। तो इधर हम यूज़ करेंगे टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है कि वो सेकंड स्टेप जो है इस पूरे को ऑटोमेट कर देता है, हमें ये खुद करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से अभी। सर राजी, ये सेकंड वाला कैसे वर्क करता है? थर्ड ने तो ऑटोमेट किया है। हमने ऑटोमेट इसको किया ना। सेकंड वाला किस तरह वर्क करता है, फर्ज करें कि आपके पास S3 जो बकेट है, इसका मतलब है सिंपल स्टोरेज बकेट। स्टोरेज बकेट मतलब आप क्या करते हैं कि आपके पास एक लोकेशन आपको दे दिया क्लाउड पे, आप उसमें अपनी फाइल्स रख सकते हैं, राइट? हमने क्या किया है कि हमने अपनी उस बकेट के अंदर ये तीनों फाइल्स डाल दी हैं, इंडेक्स एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जे एस और स्टाइल डॉट सी एस एस, और इन तीनों को पब्लिक कर दिया है, राइट? अब कोई अगर फॉर एग्जांपल यूज़र आता है और वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को ब्राउज़र के अंदर व्यू करता है, तो वो तो आपके पास एक वेब पेज नहीं है, तो वो आपको एक वेब पेज शो होता है, राइट? बिल्कुल तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट हो जाता है अगर आप इन फाइल्स को अपलोड कर दें S3 बकेट के ऊपर और इनकी पॉलिसीज़ को चेंज करके पब्लिक बना दें इन फाइल्स को, और उसका आप जो
एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का जो फाइल है, होस्ट लिंक है, उसे यूज करें तो आपके पास इक्विवेलेंट टू स्टैटिक वेब पेज होस्टिंग हो जाएगा, राइट? ओके, इट मींस के ये जो हम पब्लिक कर रहे हैं ताकि दूसरों को भी असेस हो सके, अगर तो यस इसकी रिस्ट्रिक्ट असेस है तो देन हाँ जी, ये माइट भी आपके बस सर्वर पे होगा, हमें नहीं असेस होगा। नहीं हमारे पास भी नहीं होगा सर्वर पे। नहीं, लाइक आप बना रहे हैं अभी राइट नो, तो आपके पास वो असेस होगा लेकिन हमें नहीं होगा असेस। बेसिकली ये जो होता है ना, मुझे उसका वो डिसेबल करना पड़ेगा, परमिशन चेंज करनी पड़ेगी ना, तो मेरे पास वो किसी भी एंड पॉइंट पे एक्सेसिबल होगा। अदरवाइज फॉर एग्जांपल मेरे पास भी एक्सेसिबल, मुझे पब्लिक करना पड़ेगा ना इन फाइल्स को, कि आम ब्राउजर जो है वो S3 बकेट से ये फाइल रीड कर सके, राइट? ठीक है, तो तब जाके वो होस्टिंग काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है। ठीक हो गया गाइस? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर आपके पास अकाउंट है उसका, AWS का, तो आप सिंपली क्या करते हैं, ये सर्विसेज के ऊपर आके क्लिक करें या सर्च के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे सिंपल सर्च करें एम्पलीफाई, AMPLIFY। तो ये जो आपके पास पहला आया है, राइट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, AWS एम्पलीफाई। तो लेट्स सी क्या होता है। मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइक GCP भी है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर, और एजोर, और AWS। इन सारों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इनका ये जो पेज है ये लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, यानी कि अब आप देख लें। ओके फाइनली, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट नहीं होगा ना, तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है अभी, तो इस वजह से मुझे ये इस तरह से नज़र आ रहा है। अब इधर डिप्लॉय करने के लिए जो है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप स्टैटिक वेब पेज डिप्लॉय कर सकते हैं, और दूसरे जो फ्रेमवर्क्स के थ्रू आपने SPA अगर बनाया है, सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाई हैं, तो वो भी डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट? तो ये इसके फायदे बता रहे हैं कि टीम मेंबर ऐड करें, डिप्लॉय करें, CDK जो भी करना चाहे, राइट? उसके बाद आपने इधर नीचे आ जाना है, और यहाँ पे एक दो ऑप्शन है, एम्पलीफाई स्टूडियो और एम्पलीफाई होस्टिंग। तो आपने एम्पलीफाई होस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। अब आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। हर ऑप्शन की मुख्तलिफ फीचर्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, डिप्लॉय विदाउट गेट प्रोवाइडर। तो इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद गिव दिस ऐप अ नेम, वी विल जनरेट बाय डिफॉल्ट। तो इसे कैलकुलेटर ऐप कर देते हैं, मैंने पहले ये बनाया हुआ था। और एनवायरनमेंट नेम खाली छोड़ने, और ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आपने क्या करना है कि वो वाली फाइल अपलोड करनी है जो कि जिप हमने बनाया था, वेब पेज डॉट जिप, राइट? तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप की है, तो ये हो गया है। सेव एंड डिप्लॉय अब आप करें। तो लेट्स सी के ये डिप्लॉय होता है या नहीं। सक्सेस, यस गाइस, अब ये देखें, ये डिप्लॉय हो चुका है। और इस वेब पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वही वाला वेब पेज है जो अभी हमने डिप्लॉय किया है, और अभी अभी हमने बनाया था, 1 2 3 4 4, और ये 4 5 कैलकुलेट। और सर राजीव, ये अब हमें भी असेसिबल है अगर ये लिंक आप हाँ जी, ये सारे एक्सेस करें, क्या एक्सेसिबल है आपके पास? जी असेसिबल है। ओके तो इसमें किसी को कोई बहुत मुश्किल चीज लगी हो, लाइक आपको AWS आ गया? ओके गाइस, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन हो, किसने डिप्लॉय किया, किसी ने कोई अपना पेज डिप्लॉय किया, तो मुझे उसका लिंक शेयर करें, वो मैं एक्सेस करता हूँ इधर। मेरा एक ओके क्वेश्चन है, अब राइट नो फॉर एग्जांपल, ये तो सिंपल हमने एक एचटीएमएल पेज बनाया और जावास्क्रिप्ट अटैच की है, अगर यस, हम कंप्लीट जो सी रिएक्ट ऐप एक बनाते हैं तो उसको जब हम डिप्लॉय करेंगे तो जो उसके साथ बैकएंड भी कनेक्ट कर रहे हैं वो भी इसी तरह होगा?
हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। ये बैक एंड किस तरह, आप बेसिकली मेन होगा एपीआई कॉल्स आप कर रहे होंगे बैक एंड के साथ, राइट? जी। अगर बैक एंड के साथ एपीआई कॉल्स करने हैं और उसके अंदर कोड्स का कोई भी मसला नहीं है, राइट, आपका बैक एंड पेज वो एपीआई कॉल्स को एक्सेप्ट करता है, तो आपने क्या करना होगा, बैक एंड पे जाके खाली इसको कोड्स के अंदर डालना होगा, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग के अंदर। अदरवाइज आपके पास अगर कोई एपीआई की है तो आप वो उसे इधर सीक्रेट्स के अंदर बैक एंड एनवायरनमेंट में डाल देंगे, बाकी आप इधर होस्ट करेंगे तो वो होस्ट हो जाएगा। मतलब फ्रंट एंड इसी जगह पे होस्ट करना है और बैक एंड के लिए एक कोर्स में डालनी है हमने लिंक, या इधर अगर नहीं, कोई हम वैसे ही कोड्स पेज तो ही मैंने डलती एक है यार। एग्जांपल दिया है। अगर बैक एंड आपका फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपका बैक एंड किसी और वेबसाइट पे होस्ट है, राइट, और वो एक्सेप्ट इस एंड पॉइंट से मे बी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करे, राइट, तो उस केस में आपको एक एरर देगा कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो आपने क्या करना होगा, वेब फ्रंट एंड को इधर होस्ट करने के बाद ये वाला जो नहीं है यूआरएल, ये डोमेन का ये वाला यूआरएल को आप ऐड करना है उस कोर्स की लिस्ट के अंदर, के यहाँ से अगर कोई रिक्वेस्ट आए तो आप उससे भी एक्सेप्ट करें, बैक एंड को बताना है आपने, राइट। बाकी ठीक इधर है ये एम्पलीफाई सिर्फ होस्टिंग के लिए। ठीक है सर। जी जैसे हमारे पास वेबसाइट होते हैं उसमें अंदर डेटाबेस भी होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऐप है इसके ऊपर डेटाबेस हमने अटैच किया है, तो हम डेटाबेस को कैसे यहाँ पे ले आएंगे AWS पे? डेटाबेस के लिए थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद अभी तक वो डेटाबेस वाली वेबसाइट कभी बनाई नहीं है। बैक एंड का मैं इस वजह से बता सकता था, मैंने खुद बैक एंड वाली वेबसाइट बनाई है। अब डेटाबेस अगर फॉर एग्जांपल मोंगो डीबी आप यूज़ कर रहे हैं, तो मोंगो तो अलग से वो होस्ट होता है, तो वो भी एक एपीआई की बेसिस पे काम करता है। मेन क्वेश्चन है कि आई डोंट नो, मोंगो डीबी तो मोंगो डीबी सर आई फायरबेस थिंक अगर आप सो। यूज़ करेंगे वो तो ईजी है, वो तो कनेक्ट हो जाता है। हाँ जी, मतलब अगर ऑनलाइन वैसे ही डेटाबेस है वो तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हाँ होगा, जी, जस्ट उसका आपने लिंक देना है। लेकिन अगर आपका यस किसी सर्वर के ऊपर स्पेसिफिकली बाय करनी है स्टोरेज है, ठीक है, यस, तो इन दैट केस उस स्टोरेज का भी एक आपको ना लिंक दिया जाता है कि एक स्पेसिफिक पाथ होता है कि आपने इसको असेस करना है, तो वो अगेन आपके वो बैकएंड के कोड के अंदर ही डिजाइन हो जाएगा वो चीज़। यस। लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर ऑथेंटिकेशन वगैरह है और वो सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर आप सीक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं, तो वो उसका डिफरेंट होगा प्रोसेस, तो उसका मुझे नहीं आइडिया, मैंने कभी वैसा किया नहीं है। लेकिन उसकी ये है कि आपको डेटाबेस को भी डिप्लॉय करना पड़ता है, तो ये है थोड़ा डिफरेंस। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होगा। एक चीज़ आपके पास अगर फ्री टियर है तो आपने क्या करना है, आप चूंकि हमने बहुत खेल लिया इसके साथ तो इसको डिलीट भी करना है, वरना आपका बिल आ सकता है, राइट। तो डिलीट करने के लिए एक्शन पे जाएं और डिलीट ऐप के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे टाइप करें डिलीट, तो ये डिलीट हो गया, ठीक हो गया। अब अगले मेथड के ऊपर जाते हैं। अगला मेथड हमारा क्या था कि S3 के साथ किस तरह से उसे डिप्लॉय करना है, ये थोड़ा टेक्निकल मेथड है, इसको देख लेते हैं। तो वो ये ऐप है हमारे पास, इधर से आना है हमने S3, इधर सर्च करना है या फिर आप खुद स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं S3। राजीव, इसमें फर्क क्या है? मतलब कोई एफिशिएंसी का फर्क है कि ज्यादा जल्दी रिक्वेस्ट रिसीव होगी या जस्ट वेज एंड डिफरेंट? वेज आर डिफरेंट, लाइक इतना तो नहीं फर्क मेरे ख्याल से। एम्पलीफाई भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज ही बना होगा क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसके अंदर इतना फर्क तो नहीं है। ठीक है, तो इधर सबसे पहले आपने आना है, फिर क्रिएट बकेट करना है। अच्छा, बकेट क्रिएट करते हुए एक चीज है कि बकेट का नेम जो होगा ये पूरे AWS इकोसिस्टम के अंदर यूनिक होना चाहिए, ऐसा बकेट का नाम रखना है जो कि पहले किसी ने भी बकेट का नाम ना रखा हो, राइट। तो माई स्टैटिक वेब पेज आई कोड गुरु,
आई होपफुली कि ये नाम किसी ने नहीं पहले रखा होगा। तो अब ये बकेट क्रिएट करते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको जो है डी सेलेक्ट करना है। पहले ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। ये क्या कह रहा है कि पब्लिक एक्सेस जितना भी है उसको ब्लॉक कर रहा है, लेकिन हमने इसे डी सेलेक्ट कर दिया, यानी पब्लिक एक्सेस होगा हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, राइट। उसके बाद हाँ जी, बाकी और आपने कुछ नहीं करना, और क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। यस, अब ये देखें, ये एक बकेट क्रिएट हो गई है। अब जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये बकेट एम्प्टी है, तो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स डालते हैं। ऑब्जेक्ट हमने वही तीन फाइल्स डालनी है जो कि पहले आपको बताया। तो ये आपके पास अपलोड पेज आ गए, तो अब आप क्या करें कि ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करना शुरू करें। ये वाली फाइल थी, कोडिंग स्टैटिक वेब। तो ये इसमें तीनों फाइल्स एक साथ सेलेक्ट कर लें और ये इधर से ओपन करें, तो ये तीनों फाइल्स अपलोड हो गई आपके पास, राइट। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करें, तो ये तीनों फाइल्स अपलोड हो रही हैं, आप देख सकते हैं ऊपर। और अपलोड होने के बाद आपको सक्सेस का मैसेज आएगा, एंड दैट इज इट। स्टेटस, ये स्टेटस पेज ऐसे क्लोज कर दे। अब ये तीनों फाइल्स आपके पास अपलोड हो गई हैं, राइट। सेकेंड, अब दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने इसके अंदर ये जो वेबसाइट बकेट है ना, इसको पब्लिक करके आपने इसे स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो नहीं है इसको अनेबल करना है। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। एडिट पे जाएं इसके और इसको अनेबल कर दें, राइट। और नीचे इसके देख लें, इसमें ये देखें आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास बेस डॉक्यूमेंट क्या है। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डिफॉल्ट पेज। तो इसके अंदर हमारे पास बेस डॉक्यूमेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, राइट। सेव चेंजेस करें। और अब ये हमारे पास देखें तो ये बकेट जो है होस्टिंग के लिए अनेबल हो गई है। अब इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें फॉरबिडन लिखा हुआ है, राइट। फॉरबिडन का मतलब है कि आपके पास एक्सेस डिनाइड हो गया, आपके पास फाइल्स का एक्सेस नहीं है, राइट। अब आपने क्या करना है, हर फाइल को जो है ना वो पब्लिक बनाना है। तो यहाँ परमिशंस में जाना है और परमिशन के अंदर आपने परमिशन ऐड करनी है कि आपके पास जो फाइल्स इस बकेट के अंदर पड़ी हुई हैं वो पब्लिक है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, राइट। और उसके लिए आपने इधर एक पॉलिसी लिखनी है जो कि जेसन के अंदर होती है, राइट। और या अब पॉलिसी की एग्जांपल देखते हैं, मुझे आइडिया नहीं है पॉलिसी किस तरह से लाइक लिखते हैं, तो इस वजह से पॉलिसी की एग्जांपल देखते हैं या पॉलिसी जनरेटर पे आप यूज करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो सा हम ये पब्लिक कर रहे हैं डिफरेंट फाइल्स को, ऑल फाइल्स को, तो यस, जो सा ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके लिए जो हमें बाय करना पड़ता है SSL सर्टिफिकेट वगैरह, तो क्या सिर्फ फिर हमारे पास जो लाइक सिक्योरिटी ब्लॉकेज लगते हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पे लग रही होती है वो चीज़? मुझे बात आपकी समझ नहीं आई। क्या आप कह रहे हैं सिक्योरिटी ब्लॉकेज किस तरह लगती है? मतलब राइट नो, अब ये पब्लिक हो गई है सारी फाइल्स, ठीक है, तो विच ओके, मीन्स हमारे पास इसकी जो सिक्योरिटी है वो कम हो गई है। पहले तो प्राइवेट एसएस थी हमारे पास, थी तो लो थी हमारे पास, बस वो हम ही ओपन करने देता था, ऐसे ही था ना। ओके, यस। तो अगर हम यहाँ पे, आपने कहा मैं पूरी फाइल को ही पब्लिक कर रहा हूँ, यस, तो इन दैट केस इसके ऊपर जाहिर सी बात है फिर अटैकिंग के भी चांसेस होंगे। हाँ जी, उस तरह से तो देखें तो ये तो बहुत ही, आप समझे, हम जुगाड़ लगा रहे हैं। ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द वे, राइट। आपने खेलना है तो आप ये कर लें। वैसे आप प्रोडक्शन लेवल कोड के अंदर ये नहीं कर सकते। कभी S3 को आप स्टैटिक वेब पेज
के लिए कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो आप इधर वो वेबसाइट आप होस्ट करेंगे जिसे वल्नरेबिलिटी ना हो। अब इसके अंदर क्या हैक करेगा, ये जो हमने कैलकुलेटर की वेबसाइट बनाई है, वो क्या हैकर इसमें क्या हैक कर सकते। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। उस तरह से AWS की अपनी जो एम्पलीफाई है वो इससे ज़्यादा बेहतर है, राइट, जी क्योंकि उसके अंदर वो एक्सेस आप नहीं दे रहे डायरेक्ट, वो वो जस्ट एक लिंक दे रहा है इनडायरेक्टली जो हाँ असेस जी करने के लिए। हाँ जी। लेकिन अब सिक्योरिटी की बात करें तो उस तरह से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मेन जो सिक्योरिटी का पर्पस होता है ना, वो आपकी लॉजिक को प्रिजर्व करना होता है। आप स्टाइल्स और HTML इसकी इतना फायदा नहीं होता। मेन जो प्रिजर्वेशन होती है सिक्योरिटी की, वो ये इस JS फाइल को प्रिजर्व करते हैं। तो इसके अंदर एक चीज आपने पढ़ी होगी, वेब पैक। वेब पैक का आइडिया है आपको? नहीं सर। अच्छा, वेब पैक क्या करता है कि बेसिकली ये एक बंडलिंग टूल है ना, तो ये आपके JS को क्या कर देता है, ऑब्फ्यूस्केट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस वेब पे इसके पेज पे जाऊं और इससे इंस्पेक्ट करूं, तो अब ये देखें तो इसके अंदर जो JS होगा ना, वो अनरीडेबल होगा। यानी कि ये देखें, वो सोर्स स्क्रिप्ट आया था अभी, तो ये देखें कि ये जो सोर्स स्क्रिप्ट है ना, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, अगर ये क्लिक हो जाए तो आई थिंक लिंक कॉपी करना पड़ेगा वो। हाँ जी, ओके। तो ये बेसिकली ये जो है, ये देखें, ये उनकी जावा स्क्रिप्ट है, ये उस पूरे वेब पेज की जावा स्क्रिप्ट है। अब ये देखें, आप में से कौन है जो इस जावा स्क्रिप्ट को पढ़ सकता है? ये देख रहे हैं आप, ये किस तरह, ये इसके अंदर क्या लॉजिक लिखी है, मेन वीक डेज पार्ट्स जीरो समथिंग। तो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो जावा स्क्रिप्ट थी उस सारे को ऑब्फ्यूस्केट किया हुआ है, राइट, एक अनरीडेबल फॉर्मेट में डाला है। और ये किस तरह से करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ऑब्फ्यूस्केट जावास्क्रिप्ट, वैसे जो टेक्निकली होता है ना, ये होता है वेब पे वेब पैक के थ्रू, लेकिन आप ऑनलाइन, आपको खाली एक एग्जांपल देने के लिए कि ये किस तरह से जनरेट होता है, ये क्या है। ओके, ये आ गया। तो ये हम, ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट है, इसको ऑब्फ्यूस्केट करते हैं। तो ये देखें, तो इस पे अगर मैं क्लिक करूं ऑब्फ्यूस्केट पे, तो ये उसे ऑब्फ्यूस्केट कर रहा है। और ये देखें, ये जो हमारी लॉज, ये जो जावास्क्रिप्ट जनरेट हुई है, इसकी लॉजिक एग्जैक्ट वही है जो हमने लिखी हुई थी, राइट। लेकिन अब ये देखें, ये एक अनरीडेबल फॉर्मेट के अंदर है। अब ये ऐसे करने की वजह क्या है, ऐसी करने की वजह ये है कि हैकर जो होगा ना, जो बिगनर होगा या इंटरमीडिएट होगा, वो कभी भी इसको हैक नहीं कर सकेगा। लेकिन लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है, तो वो इसको भी हैक कर लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस, राइट। सिक्योरिटी की जो आपने बात की है, वो जावास्क्रिप्ट को सिक्योर मेन करते हैं, लॉजिक को सिक्योर करते हैं, तो वो एक तरीका ये है। ठीक हो गया, जी सर। ओके। हम किधर क्या बात कर रहे थे वैसे? अच्छा, फॉरबिडन। अच्छा, मैंने क्या किया है कि वो पॉलिसी एग्जांपल्स में आया, तो ये एक पॉलिसी थी, हमें ये ज़रूरत है। पॉलिसी के किस तरह पता चलिए मुझे ज़रूरत है, S3 गेट ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इसकी पॉलिसी टाइप को हमने क्या कर दिया है, प्रिंसिपल वो होता है जो कि एक्सेस कर सकते हैं के ना इस ऑब्जेक्ट को, और इसके अंदर पॉलिसी टाइप हमने अलाउ कर दिए गेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर सकता है कोई भी प्रिंसिपल, राइट। तो लेट्स सी, तो ये पॉलिसी मैंने इधर पेस्ट कर दी थी। किधर गया, एनीवेज,
तो ये पॉलिसी मैंने इधर पेस्ट कर दी है, और इसके अंदर जो है बकेट का नेम हमने अपना देना है, ये डॉक एग्जाम्पल बकेट को रिमूव कर दें। ये क्या कह रहा है कि डॉक एग्जाम्पल बकेट के अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पॉलिसी टाइप पब्लिक आप कर दें। तो ये बकेट नेम हम कॉपी कर लेते हैं अपने यूआरएल में से और इसको इधर डालते हैं, ठीक हो गया। और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए कि अनकंडीशनली जितने हैं वो सारों को अलाउ करे। तो लेट्स सी, तो ये हमने पॉलिसी ये कर दिया, इसको सेव करना है, सेव सॉरी सेव नहीं करना, नीचे से आप जाएंगे तो उधर से सेव करना है, कंट्रोल एस नहीं करना। तो ये मैंने सेव कर दिया, ओके। सो टेक्निकली अब जो है ये एक्सेसिबल होने चाहिए सारे ऑब्जेक्ट्स इस बकेट के इस ARN के ऊपर, ठीक हो गया गाइस। अब आप अपने उस पे जाएं, इस लिंक पे जाएं और चेक करें कि आपके पास ये बकेट एक्सेसिबल है या नहीं। जी सर, एसेस हो रहा है। कोई और भी चेक कर ले लाइक। ओके सो किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक? सर ये जो नहीं हमने है अब सर तक अभी तो तक। जी हमने यूज़ नहीं किया अभी, जावास्क्रिप्ट क्या नहीं यूज किया? का कोड हमने अब तक स्केट किया हुआ था ना सर? हाँ जी, वो जो है बेसिकली मैंने अपलोड कर दिया ना इधर, लाइक ये देखें तो ये इंडेक्स डॉट जेएस इधर अपलोडेड है, तो वो वाला कोड हम यूज़ कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हमने ये ऑब्फ्यूस्केटेड कोड क्यों नहीं यूज़ किया जो मैंने जनरेट किया था? एग्जैक्टली अच्छा, वो तो मैंने एस सच बताने के लिए किया था, लेकिन मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ, चलें वो यूज़ करते हैं। सर, मेनली उसके अंदर ऑब्फ्यूस्केटेड में यही होगा ना कि जो हमने जावास्क्रिप्ट की वो फाइल अपलोड की है उसमें हमारा ये ऑब्फ्यूस्केटेड कोड जाएगा। हाँ जी, सिंपल वही होगा। तो ये इसको कॉपी मैंने कर दिया अपनी लॉजिक को, इधर मैंने इसे पेस्ट की है। और इस तरह मैंने इसे ऑब्फ्यूस्केट कर दिया, और इस कोड को यूज़ करते हैं एक चीज़ देखने के लिए, क्या इसकी लॉजिक सेम होती है या नहीं। तो अब मैंने क्या किया, अपनी ओरिजिनल फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। लेट्स अब इस एक नई फाइल जनरेट करते हैं अगर फॉर ये लॉजिक, ताकि हमारे पास ओरिजिनल कोड भी प्रिजर्व रहे। और इस फाइल का नाम रख देते हैं इस फाइल का नाम, एकअप जैसा कैसा सॉरी बैकअप जैसा कैसे मेकअप जैसे, बैकअप जैसा चलें वो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे डैश इंडेक्स रख दिया। आप देखें तो ये मैंने उसका इंडेक्स डॉट जे एस अब फाइल चेंज कर दिया। अब हम जाते हैं अपने इस वेब पेज के ऊपर स्टैटिक जो हमने इधर से होस्ट किया हुआ था,
तो आप देखते हैं क्या ये वाला डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल है या नहीं। ओपन विद लाइफ स्टाइल। ओके, तो अब ये देखते हैं कि क्या कैलकुलेट का मेथड काम करता है। अगर ये करता है तो मतलब जावास्क्रिप्ट काम कर रही है, लेकिन हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा ऑब्फ्यूस्केटेड कोड है, राइट? ठीक हो गया, एग्जैक्ट सेम लॉजिक है लेकिन उसे हमने ऑब्फ्यूस्केट कर दिया। एनीवेज, ये वैसे इरेलेवेंट कॉन्सेप्ट था इस पॉइंट पे, ये तो बातों बातों में बात निकली है तो वो कर दिया। लेकिन अब आपको आइडिया हो गया कि उसमें किस लेवल की जो है वो डेवलपमेंट होती है प्रोडक्शन लेवल के अंदर, राइट? जी सर, ओके जी। ओके, तो अब हमने दूसरे तरीके से कर लिया, अब हम इसे तीसरे तरीके से करते हैं, जो कि तीसरा तरीका भी दर हकीकत दूसरा तरीका ही है, लेकिन उसमें यह है कि वो ऑटोमेटेड तरीका है, राइट? मूव टू ट्रैश। तो तीसरा तरीका क्या है कि हम इसे टेराफॉर्म से करेंगे। टेराफॉर्म से करने के लिए एक और, मैं दूसरे सिस्टम से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि इसके अंदर टेराफॉर्म इंस्टॉल नहीं है, राइट? ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? जी सर, हो रही है। मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, आवाज़ भी आ रही है। ओके, सो बेसिकली टेराफॉर्म क्या चीज है? टेराफॉर्म एक आपके पास जो है वो आप उसे कह सकते हैं एक ऑटोमेशन टूल है। जो काम अभी हमने S3 के लिए किया ना, सारे को ये ऑटोमेट करेगा, राइट? मैंने इधर भी एक वेब पेज बनाया हुआ है, अगर मैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर जाऊं और आपको दिखा सकूं तो ये मैंने एक ऐप बनाया हुआ है, और इस ऐप को देखते हैं करता क्या है। तो ये भी बेसिकली कैलकुलेटर है, लेकिन इसका मकसद ये है कि ये पावर कैलकुलेट करता है, यानी कि 2 रेज टू पावर 5 क्या होता है, राइट? 32, राइट? तो इस तरह से इसके अंदर एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी क्लियर भी कर देता है। तो लेट्स सी, तो टेराफॉर्म के को करने के लिए आपको जो है ना कुछ चीजें प्री रिक्विजिट हैं इसकी, राइट? टेराफॉर्म को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद जो है ये कोड लिखा हुआ है इसी को मैं रन करूंगा सिंपल। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेराफॉर्म के अंदर एक आपने प्रोवाइडर सबसे पहले बताना है, यानी कि आपने कर दिया टेराफॉर्म, टेराफॉर्म आपने इंस्टॉल कर लिया ना, तो उसके बाद सबसे पहले आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर टेराफॉर्म इन इट करना है, राइट? सर, टेराफॉर्म कोई सॉफ्टवेयर है जो आप जैसे रिएक्ट मतलब नोड जीएस इंस्टॉल करते हैं हम? जी बिल्कुल, ऐसे ही टेराफॉर्म भी एक सॉफ्टवेयर है, जिस तरह डॉकर है, जिस तरह इस तरह का एक टेराफॉर्म भी सॉफ्टवेयर है। डॉकर इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन टेराफॉर्म इज मोर लाइक ऑटोमेशन टूल, राइट? आप देखेंगे अभी मैं करूंगा तो आपका जी आइडिया देगा। ये कह रहा है कि टेराफॉर्म इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ये क्या मसला? ओके, इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं सेट हुआ अभी टेराफॉर्म का। अच्छा वो नहीं है। बेसिकली एक ऐसा है कि मैं विंडो के अंदर एक सब सिस्टम यूज करता हूँ जो लिनक्स यूज करता हूँ, राइट? तो मैंने वो सब सिस्टम इंस्टॉल किया, और सब सिस्टम के अंदर मैंने टेराफॉर्म आई थिंक इंस्टॉल किया है, तो वो मैं सब सिस्टम रन कर रहा हूँ तो उसके अंदर टेराफॉर्म होगा, राइट? तो लेट्स वेट, तब तक हम ये डिस्कस करते हैं कि टेराफॉर्म किस तरह से काम करता है। टेराफॉर्म के अंदर सबसे पहले आपने इन्वायरमेंट उसका बताना है कि आप किसके साथ काम करने वाले हैं, राइट? तो ये सारा कोड जो है ना, ये जितना भी कोड मैंने इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है,
दैट इज फ्रॉम टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन राइट। वो डॉक्यूमेंटेशन भी अभी देख लेते हैं कि मैंने किधर से ये कोड लिया है। मैंने खुद कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। सबसे पहले आपने एनवायरनमेंट सेट करना है, और रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स का मतलब क्या है कि हम बता रहे हैं उसे कि हम किस प्रोवाइडर के साथ काम करेंगे राइट। फिर उसके बाद हमने बता दिए कि प्रोवाइडर जो हमने यूज किया ना उसके साथ आपने सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने क्या का है कि एक्सेस की उसे दे देनी है। किसी भी आप फॉर एग्जांपल आपने कनेक्ट करना है ना AWS के साथ, तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक्सेस की और सीक्रेट की। ये जब दोनों कीज आप दे देते हैं ना तो आप टेराफॉर्म जो है एक्सेस कर सकते हैं आपके AWS के एनवायरनमेंट को राइट। ओके टेराफॉर्म तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये एक्सेस की और सीक्रेट की मिलेगी किधर से हमें। तो आप क्या करें कि आप जाएं AWS के अंदर जाएं। AWS के अंदर एक ऑप्शन होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM राइट। IAM अच्छा इधर आप देख लेते हैं। पहले मैंने साइन इन नहीं किया था तो ये मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है रूट यूजर और एक होता है आई एम यूजर राइट। रूट यूजर का मतलब ये होता है कि जो मेन अकाउंट हो राइट। रूट यूजर के पास हर सर्विस का एक्सेस होता है और रूट यूजर कुछ भी कर सकता है। आई एम यूजर जो होता है वो क्या करता है, वो एक खास सर्विस के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल S3 बकेट के लिए आप क्या करते हैं कि एक सर्विस अकाउंट बना देते हैं जो सर्विस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ S3 बकेट को यूज कर सकता है राइट। वो बाकी एम्पलीफाई को यूज नहीं कर सकता, किसी और सर्विस को यूज नहीं कर सकता, तो उस यूजर को कहेंगे आई एम यूजर राइट। लेकिन मेरे पास अपना पर्सनल अकाउंट है तो मैं रूट यूजर हूँ, लेकिन मैं इस अकाउंट के अंडर जो है ना बहुत सारे आई एम यूजर्स बना सकता हूँ राइट। और वो यूजर जो होंगे वो डायरेक्टली इधर आएंगे और रूट यूजर की जगह आई एम यूजर सेलेक्ट करेंगे, अपना लॉग इन और पासवर्ड डालेंगे और साइन इन कर लेंगे राइट। क्योंकि मैं रूट यूजर हूं तो मैं सिंपल अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और साइन इन कर लूंगा। और उसके बाद आपने जाना है सर्च करना है IAM राइट। और इधर इधर जो है ना आपने एक यूजर क्रिएट करना है। देखिए आप साइड पे, आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास यूजर ग्रुप्स, यूजर्स रोल्स पॉलिसीज, तो आपने यूजर्स के अंदर जाना है। अब देखें तो इधर कोई भी यूजर नहीं है, तो हमने एक यूजर क्रिएट करना है, क्रिएट यूजर। तो आप यूजर का नाम दे देते हैं, तो यूजर का नाम इधर हम दे देते हैं टेराफॉर्म राइट। टेराफॉर्म इसे यूज करेगा तो उसका यूजर का नाम टेराफॉर्म दे दिया। नेक्स्ट करना है। अच्छा आप उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि परमिशन आप किस तरह की उसे, परमिशन का मतलब ये है कि यूजर के राइट्स क्या हैं, यूजर क्या क्या कर सकता है। इस केस में हम क्या चाहते हैं कि यूजर जो हमारा टेराफॉर्म यूजर है वो S3 बकेट के ऊपर उसका फुल कंट्रोल हो, वो बकेट के अंदर एलिमेंट डाल सके, निकाल सके, उसकी परमिशंस को चेंज कर सके एलिमेंट्स की, और बकेट की परमिशंस को चेंज कर सके, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर सके। तो ऐसा अगर ऑलरेडी आपके पास कोई यूजर जनरेटेड है ना तो आप क्या करेंगे, ऐड यूजर ग्रुप, यानी कि आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिस ग्रुप के अंदर हर यूजर की इक्वल परमिशंस है, तो उस ग्रुप के अंदर इस यूजर को भी डाल देंगे तो इस यूजर को भी वही परमिशंस मिल जाएंगी राइट। कॉपी परमिशन, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कोई यूजर एग्जिस्ट कर रहा है उसकी परमिशन को कॉपी करें और इस यूजर को दे दें। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको परमिशन देंगे। अब देखें तो आपके पास तकरीबन 60 और हर के अंदर तकरीबन 10 है, 600 के करीब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की परमिशन हैं जो आप दे सकते हैं। लेकिन इधर हम क्या करेंगे कि हमने उसे अमेजोन S3, तो ये देखें अमेजोन S3 फुल एक्सेस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो यानी कि ये परमिशन हमने अपने टेराफॉर्म यूजर को दे दी है राइट। नेक्स्ट पे क्लिक करें तो अब ये देखें तो ये बेसिकली आपको एक समरी बता रहा है कि आप क्या करने वाले हैं। तो हमारा यूजर एक है टेराफॉर्म और उसके पास S3 बकेट का फुल एक्सेस है, तो क्रिएट यूजर करना है आपने। अब ये यूजर एक क्रिएट हो गया है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेस की और सीक्रेट की जरूरत है
कनेक्ट करने के लिए किसी भी सर्विस के साथ। अभी ये जब यूजर क्रिएट हो गया है, तो इसके अंदर जाएंगे तो आप देखें तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट एक्सेस की, राइट। अभी इसकी एक्सेस की नहीं है, आपने क्रिएट एक्सेस की करना है। तो आप यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछ रहे हैं कि आप किस तरह की एक्सेस की करना चाहते हैं, तो आप अदर पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये एक्सेस की डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, तो मैं इसे कहता रहता हूँ टेराफॉर्म एक्सेस। कुछ भी आप अपनी आसानी के लिए जिस तरह याद रखना चाहते हैं वो दे दे, और क्रिएट एक्सेस की करना है आपने। अब देखें तो आपके पास दो कीज जनरेट हुई हैं, एक एक्सेस की और एक सीक्रेट की है, राइट। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को कॉपी करना है और अपने इस जगह पे देना है। यहाँ तक आपको प्रोवाइडर तो समझ आ गया, राइट। अब आपने क्या करना है कि वेरिएबल्स की मैंने अलग, आप क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली आप एक्सेस की इधर पुट कर लें, यानी कि मैंने क्या किया कि एक्सेस की इधर डाल दी है और मेरा काम हो गया, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप क्या करें, आपकी जितने भी सीक्रेट्स हैं ना वो सारे एक अलग फाइल में रखें, राइट। जिस तरह बकेट का नेम है या दूसरी चीज़ें हैं तो वो आप इस फाइल के अंदर रखें। तो मैंने एक और फाइल बनाई है वेरिएबल्स के नाम से। तो वेरिएबल्स के नाम से आप क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल कीवर्ड है यानी रिसोर्स टाइप है, और उसके बाद जो है आप उसके अंदर बताते हैं कि वेरिएबल का नाम क्या है, राइट। तो इस तरह से मेरे पास अभी सीक्रेट की है, तो वेरिएबल का नाम है और उसकी वैल्यू क्या होगी। ये सीक्रेट की के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, और एक्सेस की के अंदर मैंने वो एक्सेस की पेस्ट करनी है, राइट। तो ये मैंने एक्सेस की पेस्ट कर दिया। अब मुझे ये प्रोवाइडर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये वेरिएबल्स इधर सेट किए हुए थे, राइट। अब जो है बकेट नेम, अब चूंकि टेराफॉर्म हर चीज़ ऑटोमेटिकली कर रहा है, तो ये हम बकेट नेम भी इधर चेंज कर देते हैं। बकेट नेम चेंज करके वो रख देते हैं जिधर हमने जो बकेट नेम रखना है, राइट। स्टैटिक वेब पेज होस्टिंग आई कोड गुरु। अच्छा, ये क्या करेगा, बकेट जनरेट भी खुद करेगा और सब कुछ खुद करेगा, राइट। अब हमारे पास यूजर जनरेट हो गया है और ये सब कुछ हो गया, ओके। टेराफॉर्म भी इनिशियलाइज्ड है। अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रोवाइडर क्या करता है और वेरिएबल क्या करते हैं, और एक और तीसरी फाइल को देखते हैं कि वो क्या करती है, फिर उसके बाद हम मेन के ऊपर जाएंगे। तीसरी फाइल क्या कर रही है कि वेब यूआरएल, राइट। अब चूंकि आपके पास, जब आप स्टैटिक वेब पेज होस्ट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमने परमिशंस में जाके सबसे एंड पे स्क्रॉल किया था तो वो डिसेबल थी, राइट। स्टैटिक वेब पेज होस्टिंग डिसेबल थी, तो हमने उसे एनेबल किया था। सॉरी, मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक हो गया, तो वो मैं रीकनेक्ट हो रहा हूँ, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक? सर राजीव, ये जो सा हम टेराफॉर्म इंस्टॉल किया है, ठीक है, तो राइट नो इसका सारा सेटअप हमें जो आपने एक्सटेंशन लगाई है, जैसे डॉट पाई हम पाइथन की लगाते हैं, वो डॉट टी एफ टेराफॉर्म की लगाई है, और अगेन इसका सारा कंप्लीट एक सिंटैक्स होगा, ऐसे ही है मतलब, हाँ जी, ऐसा ही है, ये बिल्कुल कंप्लीट लैंग्वेज एक हमें पहले लर्न करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका नाम, लैंग्वेज का नाम HCL है, राइट। लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, आप और शायद ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लर्न करने की। वो क्यों नहीं है, अगर आप जाएं इधर टेराफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन पे, तो हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। टेराफॉर्म लाइक पुट एलिमेंट इन S3 बकेट Amazon, राइट। तो ये जो मैंने सारा कोड लिखा है, ये मैंने खाली इन डॉक्यूमेंटेशन से देख ही के लिखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने करना यही है, अनलेस के आप किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि खुद से जिस टाइम कोई सर्विसेज किसी कस्टमाइज तरीके से यूज़ कर रही है। तो आप देखें तो इसने सिंपल ये रिसोर्स नाम दिखती है,
बेसिक सिंटैक्स है, सबसे पहले रिसोर्स कीवर्ड है, फिर रिसोर्स का नाम AWS S3 बकेट, फिर उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया एग्जाम्पल, राइट, फिर बकेट का नेम आ गया, फिर उसके अंदर टैग्स आ गए और उसकी एनवायरमेंट आ गई, राइट। तो अब वो देखते हैं, या अब ये देखें तो आउटपुट जो है, आउटपुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हाँ, ये वेब यूआरएल हमने उसे बताया कि आपको याद हो जब हम S3 के अंदर डिप्लॉय कर रहे थे स्टैटिक वेब पेज, तो उस केस के अंदर हमने क्या किया था कि वेब होस्टिंग डिसेबल थी और उसे एनेबल किया था, तो उसने हमें एक यूआरएल दिया था, राइट। उस यूआरएल को एक्सेस करने का ये है, AWS S3 बकेट वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन डॉट वेबसाइट और डॉट वेबसाइट एंड पॉइंट, राइट। तो ये आपको क्या करेगा, ये वो वैल्यू, वो यूआरएल आपको रिटर्न करेगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को प्रोवाइडर वेरिएबल और आउटपुट के अंदर कोई चीज ना समझ आई हो? ओके, अब देखते हैं कि ठीक है सर। बेसिकली ये मेन जो लॉजिक हो रही है वो इस फाइल के अंदर हो रही है, main.ts, राइट। तो जब आपने टेराफॉर्म इंस्टॉल करना है ना, तो ये वाली एनवायरनमेंट बनानी है, तो आपने सबसे पहले टेराफॉर्म इनिट करना है, राइट। टेराफॉर्म इनिट करने के बाद आपके पास ये कुछ फाइल्स इनिट होंगी, डॉट टेराफॉर्म लॉक HCL या टेराफॉर्म TF state और टेराफॉर्म TF state बैकअप, राइट। लेकिन मैंने ऑलरेडी किया तो इस वजह से उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने ये बाकी की जो फाइल्स ना है ना .tf, ये आपने खुद बनानी है, राइट। ओके, अब मेन तो .tf फाइल को देखते हैं कि क्या कर रही है। सबसे पहले जिस तरह टाइटल था आपको पता है, क्रिएट S3 बकेट, तो ये सबसे पहले बकेट बना रही है। तो आप इसका सिंटैक्स देख लें, बिल्कुल सिंपल, रिसोर्स AWS S3 बकेट, और बकेट का नाम, बकेट का इंस्टेंस है ये, राइट। बकेट का नेम हम कहाँ से ले रहे हैं, वेयर डॉट बकेट नेम। अब देखें आसानी हो गई है ना, लाइक वेरिएबल्स हमने बनाए थे और उसके अंदर हमने बकेट नेम से एक वेरिएबल बना दिया था, और उससे हम जो है वैल्यू फैच कर रहे हैं। अब जिधर भी हमें ज़रूरत होगा हम उसको यूज़ करेंगे, राइट। तो ये क्या करेगा, एक बकेट बना देगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या है कि ओनरशिप कंट्रोल, तो जिस तरह से हम वो बकेट क्रिएट कर रहे थे, तो हमने एक ऑप्शन को डी सेलेक्ट किया था, राइट। यानी कि उसके अंदर ब्लॉक पब्लिक ACLs, इसको फॉल्स कर दिया, ब्लॉक पब्लिक पॉलिसी इग्नोर पब्लिक ACLs, इन सबको फॉल्स कर दिया। ये वो ऑप्शंस हैं जो हम बकेट क्रिएट कर रहे थे तो हमने ट्रू किए थे, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड थे तो हमने उन्हें डी सेलेक्ट किया था, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होते हैं तो हम उन्हें फॉल्स कर रहे हैं, राइट। AWS S3 बकेट पब्लिक एक्सेस ब्लॉक, राइट, पब्लिक एक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं तो हमने फॉल्स किया, नहीं हम नहीं ब्लॉक कर रहे, राइट। और इसी तरह से ऑनरशिप कंट्रोल्स हैं। अब ये क्या है कि इसमें समझने वाली चीज ये है डिपेंड्स ऑन का, राइट। तो जब बकेट बन जाती है, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि बकेट की जो कंट्रोल लिस्ट है ना, उसके अंदर उसे पब्लिक रीड कर देना, यानी कि बकेट जो है पब्लिकली एक्सेसिबल हो। और पब्लिक एक्सेसिबल होने से पहले आपने क्या करना है कि बकेट की ओनरशिप आपके पास हो, और बकेट की जो पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है ये भी आपके पास पहले हो चुके, राइट। ये जब दोनों स्टेप हो जाएंगे ना, उसके बाद जो है ये फिर तीसरा स्टेप ये वाला परफॉर्म करना है हमने, राइट। फिर उसके बाद ये सिंपल है, लाइक एडिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू बकेट, तो हम बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो AWS S3 ऑब्जेक्ट है, और ये एग्जाम इंडेक्स जो है ये बेसिकली इस रिसोर्स टाइप का एक इंस्टेंस है, राइट। बकेट का नेम की दे दी है, सोर्स दे दी है, उसके बाद कंटेंट टाइप, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंटेंट टाइप के अंदर फाइल की टाइप आपने लिखनी है, तो हमारे पास .html टाइप है, तो text/html, राइट। और डिपेंड्स ऑन है मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले ये जो स्टेप नहीं है, AWS S3 बकेट ACL, ये देखें ये वाला स्टेप, ये जब परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है, राइट। और ये वाला स्टेप डिपेंड कर रहा है पिछले दो स्टेप्स के ऊपर, राइट। तो ये एक किस्म से आप कह सकते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनता है, कोई भी स्टेप जो है
गलत पहले आप परफॉर्म ना कर दें, इस वजह से आपने डिपेंड्स ऑन डाला है ताकि वो स्टेप पहले हो जाए। इसी तरह से जेएस फाइल हमने डाल दी है, और उसी तरह से स्टाइल की फाइल डाल दी है, सीएसएस फाइल, ये डॉकर फाइल एक अलग थी, मैं ऐसे डॉकर के साथ ट्राई कर रहा था, तो ये भी एक अलग फाइल। फिर उसके बाद ये है कि एनेबलिंग स्टैटिक वेब पेज इन S3 बकेट। तो अब इसे मैंने बता दिया कि इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास, वो इंडेक्स डॉट HTML है, राइट। जब आप उसे एनेबल करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आप क्या मेन स्टार्टिंग फाइल क्या है, तो वो इंडेक्स डॉट HTML है। और या दैट इज प्रीटी मच इट। अब देखते हैं कि ये टेराफॉर्म जो है ना, इसका एक प्लान होता है जिस तरह से ये काम करता है। टेराफॉर्म प्लान करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये क्या क्या स्टेप परफॉर्म करेगा ना। तो लेट्स सी, ये थोड़ा हैवी होता है, इस वजह से मेरा सिस्टम भी थोड़ा कमजोर है, जिस वजह से ये थोड़ा टाइम ले लेता है। टेराफॉर्म जब प्लान आपके पास आ जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, टेराफॉर्म अप्लाई करना है। टेराफॉर्म अप्लाई क्या करेगा कि ये जितने भी आपने रूल्स लिखे हैं ना, और जितना भी आपने उसे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये इन सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा एज पर द टेराफॉर्म प्लान जो कि अभी आपको नजर आएगा। और जैसे ही वो होगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास वो सारी चीजें जनरेट हो गई हैं। S3 बकेट के अंदर जाते हैं। यस, S3 बकेट अभी देख लेते हैं। हमारे पास कोई भी S3 बकेट नहीं है, तो टेराफॉर्म अप्लाई जब हम करेंगे तो वो एक S3 बकेट क्रिएट करेगा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स डालेगा, उनकी परमिशन सबको चेंज करेगा। ओके, ये ऑलरेडी एक S3 बकेट है। मेरे ख्याल से हमने वो जो पहले S3 बकेट बनाई थी वो डिलीट नहीं की थी। तो डिलीट बकेट को करने के दो तरीके हैं कि आप सिर्फ एम्प्टी बकेट डिलीट कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास बकेट एम्प्टी नहीं है तो आपने उसे पहले एम्प्टी करना है। तो इस बकेट को सबसे पहले एम्प्टी करते हैं, और ये डिलीट करने से पहले आपने इसमें लिखना है परमानेंटली डिलीट। तो परमानेंटली डिलीट करने के बाद एम्प्टी हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस बकेट को डिलीट करना है, तो ये बकेट का नाम इसमें लिख देते हैं, डिलीट बकेट। अब देखें तो इधर आपके पास कोई भी बकेट नहीं है, राइट। अगर आप इधर जाएं और ये देखें तो इधर कोई भी बकेट नहीं है अभी, लेकिन टेराफॉर्म जो प्लान कर रहा है, तो अब टेराफॉर्म के प्लान के अंदर देखें तो ये क्या कर रहा है, ये काफी बड़ा इसमें प्लान दिया है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एक बकेट क्रिएट करेगा नॉन आफ्टर अप्लाई। तो ये काफी सारे यानी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये करेगा क्या क्या। तो एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा, फिर उसके बाद ये वाली ऑनरशिप कंट्रोल की एक एग्जाम्पल क्रिएट करेगा इस सिग्नेचर के साथ, फिर ये करेगा एनीवेज। अब इसके बाद इससे क्या करना है, टेराफॉर्म अप्लाई, राइट। टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये आपसे पूछेगा क्या आप ये एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं, तो हम उस पर यस करेंगे। उससे बचने के लिए एक फ्लैग होता है ऑटो अप्रूव, तो हम ये कर देते हैं। लेट्स सी, अब ये एक कमांड लिखी है, तो अब ये क्या करेगा, S3 बकेट क्रिएट भी करेगा, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स डालेगा, उसके अंदर परमिशन चेंज करेगा, उसके अंदर स्टैटिक वेब पेज पोस्टिंग को एनेबल करेगा, और उसका URL रिटर्न करेगा, राइट। आई होप ये करे सारा कुछ। इट कैन टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम, तो या ओके। तो अब ये इसने वो सारा प्लान बताया, और अब ये स्टेप्स लेना स्टार्ट कर रहा है। उसके अलावा एक चीज और है कि जिस तरह अब ये देखें AWS S3 माई बकेट क्रिएटिंग, राइट। तो ये बकेट क्रिएट कर रहा है और साथ साथ टाइम भी नोट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक कमांड होती है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। कोई बताएगा टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय क्या करेगा? तो ये देखें तो इसने सारा कुछ क्रिएट कर दिया, और वेब URL के अंदर एक URL रिटर्न किया है। तो अगर आप इस वेबसाइट को देखें, इस वेबसाइट को,
तो ये देखें तो ये एक वेब पेज है जो कि आइडियली हमें नज़र आना चाहिए था। तो ये क्या करता है कि ये बेस की पावर जनरेट करता है, तो कैलकुलेट किया है तो हमारे पास 169 आ गया जो कि काम कर रहा है। ओके S3 देखें तो हमारे पास कोई बकेट नहीं थी, इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास एक बकेट होगी उसी नेम से। और ये क्या करेगा कि इसके अंदर आपके पास सारे जो है वो फाइल्स हैं ना जो हमने ऐड की थी वो फाइल्स हमारे पास होंगी। राइट, टाइम आप देख सकते हैं 11:15 पे ऐड की थी, यानी 1 मिनट पहले इसने सारा कुछ किया। तो ये टेराफॉर्म ही ने किया। किसी का कोई क्वेश्चन हो अब तक? सर, इसके अंदर जो सी हमारे पास ये फाइल हमने अभी अभी अटैच की है टेराफॉर्म वाली, कौन सी वाली फाइल? मेन डॉट ये पीएम। कंप्लीट जो रन जी ये रन जो की है हमने, यस तो राइट नो सारा कुछ अब जो डेटा मेन चल रहा है, मतलब जो लिंक्स हमने डाले हैं वो सारा टेराफॉर्म काम कर रहा है, ऐसे ही है ना? हाँ जी, हम यानी AWS का कोई भी हमें एक्सेस, हम उस विंडो को बंद कर दें और हमारे वो पास जस्ट हमने जी उसके जो पासवर्ड दिया है सीक्रेट की और दूसरा वो यस दे दिया, बाकी इस फाइल ने जस्ट काम रन किया अब। यस बिल्कुल ऐसे ही। ओके अब ये वाला जो लिंक है आप अपने पास भी एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग खुद एक्सेस करें तो आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास एक्सेसिबल है। ये मैं चैट के अंदर शेयर कर रहा हूँ तो ये आप एक्सेस करें, मुझे बताएं कि आपके पास ये वाली ये ही वेबसाइट आती है या नहीं और काम करती है या नहीं। हियर यू गो, चेक करें। जी सर, मैं ओपन कर रहा हूँ। ओके गाइस, किसी के पास ओपन हुई है ये लाइक लिंक? सर अभी तो लोड कर रहा है वो, क्या करें? अभी लोड कर रहा है वो। ओहो, इसे इतनी देर में वैसे कर देना चाहिए था। वो तो अभी तक भी लोड कर रहे हैं। ओहो, कोई मसला तो नहीं है? पब्लिकली अवेलेबल का है वो, मतलब इसमें तो नहीं करना पड़ेगा हमें जैसे पिछली दफा हमने किया नहीं, पब्लिक वो अवेलेबल। पब्लिकली अवेलेबल है लेकिन ये एक्सेसिबल होनी चाहिए। HTTPS। अब आया है आपके पास? लोड ही हो रहा है? नो सर, अभी भी लोड ही हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, ये इसकी प्रॉपर्टीज में जाके एक नया वो जो AR है ना वो देता हूँ मैं आपको, उस पे चेक कीजिए। यस इसको चेक कीजिए, HTTP। जी सर, ये वाला चल रहा है, काम कर रहा है, ये सेकंड लिंक जो आपने शेयर किया। ओके सो या तो वो जो दूसरा शेयर किया था उसके अंदर आप अगर वो स्टार्ट पे क्लिक करें ना तो वो HTTPS होगा, उसको आप चेंज करके HTTP करें। वो आपने ब्राउजर क्लोज कर दी? नो सर, ओपन है। उधर HTTP करूं? HTTP, हाँ जी, S उसमें से रिमूव कर दें। ठीक है जी, वो भी ओपन हो गया जबरदस्त, ठीक हो गया। जी तो सर। ये अच्छा, एक और चीज देखते हैं कि मैंने जिस तरह कहा था ये फाइल्स पब्लिकली एक्सेसिबल हैं, तो फाइल्स हम देखते हैं कि कौन सी पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो इस फाइल यानी कि index.js, तो लेट्स सी, अब मुझे आइडिया नहीं है, खाली एक ट्राई करते हैं index.js। यस
तो ये देखें, अच्छा तो ये देखें, मैंने उसके अंदर इंडेक्स डॉट जेएस किया, तो इसने मुझे उस इंडेक्स डॉट जेएस का कंटेंट शो कर दिया, राइट, जो कि मैंने कोड किया हुआ था। जी तो ये यानी फाइल्स भी पब्लिकली एक्सेसिबल हैं आप, ये मैं ये बताना चाह रहा था, राइट, जी सर, यानी कि स्टाइल डॉट सी एस डॉकर फाइल करनी, डॉकर फाइल आई थिंक यही नाम है, यस। तो ये देखें, ये डॉकर फाइल भी एक्सेसिबल, यानी कि सारी फाइल्स एक्सेसिबल है। एक लास्ट स्टेप करते हैं कि ये जो हमने बकेट क्रिएट किया, अब हम चाहते हैं कि ये डिस्ट्रॉय करें इसको, अब हमने सारा जो करना था कर लिया, तो उसके लिए टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय और ऑटो अप्रूव, राइट। तो अब ये क्या करेगा कि वो जो S3 बकेट है उसके सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले रिमूव करेगा, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा कि बकेट को रिमूव करेगा, और यानी कि जो हमने जितना काम किया उस सारे को क्लीन कर देगा, राइट। लेट्स सी, ओके। एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो हमारे पास ये टेराफॉर्म यूजर है ना, इसके पास सिर्फ सिंपल एक्सेस है सिर्फ S3 बकेट का, उसके अलावा ये किसी और सर्विस के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकता, राइट। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने यहाँ पे एक और यूजर जनरेट किया हुआ है, आई एम यूजर, राइट, और इस यूजर की सीक्रेट की भी है और एक्सेस की भी है। और इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो यूजर है, अगर ये पड़ा रहेगा ना, इसे आप डिलीट नहीं करेंगे, तो आपके पास मंथली इसका इसके चार्जेस होंगे, इसका बिल आएगा, राइट। और इसका बिल अराउंड $1 पर मंथ होता है, समथिंग लाइक दैट, डिपेंड्स ऑन यूजेज, राइट। तो ये मैंने जब पहली दफा किया था तो मैंने मुझे इसका आइडिया नहीं था, और काफी अर्सा मुझे लगा कि ये ढूंढने के लिए कि बिल आ किधर से रहा। तो फिर मुझे पता चला कि ये जो सर्विस है ना, सीक्रेट की जो हम जनरेट करते हैं, एक्सेस की और सीक्रेट की, वो एक की मैनेजमेंट सर्विस है AWS की, जो कि उसे हैंडल करती है, राइट। इस वजह से हमें ये डिलीट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास किसी भी किस्म का कोई बिल ना आए। तो लेट्स सी, तो अब ये देखें, ये डिस्ट्रॉयड 9 रिसोर्सेज डिस्ट्रॉयड। तो अब जाते हैं उसके अंदर, हम देखते हैं कि सबसे पहले इस यूजर को डिलीट कर देते हैं, और फिर उसके बाद जाते हैं यूजर नेम टेराफोन, ओके। अब S3 बकेट के अंदर जाते हैं तो टेक्निकली हमें कोई बकेट नहीं नजर आएगी क्योंकि हमने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया टेराफॉर्म के थ्रू। तो देख सकते हैं कि आपके पास कोई बकेट नहीं है। बकेट्स के अंदर जाते हैं तो नो बकेट, राइट। होपफुली के आपको कुछ आइडिया हुआ होगा चीजों का, तो ये था आज का लेक्चर। अब वो यूजर जिस तरह हमने डिलीट कर दिया ना, तो आप ये यहाँ पे दोबारा टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो वो कीज किसी काम की नहीं है, ये वाली, ये सीक्रेट की और एक्सेस की किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमारे पास यूजर के पास एक्सेस ही नहीं है, तो इस वजह से ये एरर देगा, राइट। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है अब तक आज के लेक्चर में, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड? सर ओके क्लियर है। ओके, तो मेरे पास इतना ही था आज के लिए। किसी का कोई और अगर कुछ कहना चाहता है तो वो कह दे इससे तो, कोई फीडबैक है आपका, लाइक आपको कैसा लगा सेशन, क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? सर आई थिंक सो इसके अंदर जो ना बैकएंड वाला भी जो काम है वो भी साथ हमें किसी और वर्कशॉप में करना चाहिए। क्या आपके पास एक कंप्लीट वेबसाइट हो, फ्रंट एंड भी उसका बैकएंड भी, और उसको सारा कनेक्ट करके
तो उसको फिर डिप्लॉय किया जाए। ओके, वो भी कर सकते हैं। मेरे पास एक वेबसाइट है नेक्स्ट जेएस के अंदर बनी हुई है, उसके अंदर बैक एंड भी है फ्रंट एंड भी है, लेकिन उसको मैंने डिप्लॉय नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं, फिर किसी वर्कशॉप में हम उसे देख लेंगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन था आपका कि टेराफॉर्म की जो अलग से लैंग्वेज है, क्या हमें ये सीखने की ज़रूरत है या नहीं? तो टेराफॉर्म के कुछ कंपिटिटर्स भी हैं, जिस तरह से एक है प्लूमी, PULUMI, ये जो है बेसिकली ये पाइथन और जावास्क्रिप्ट के अंदर यही सारी लॉजिक लिखता है, और वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल है टेराफॉर्म से। तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी ये इस किस्म की ऑटोमेशन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन टेराफॉर्म अभी यूज काफी हो रही है, काफी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो टेराफॉर्म को यूज कर रही हैं, यस तो इसका मतलब है कि ये काफी इजी टू यूज होगी और ये काफी सारी चीजें बिल्ट इन दे रही होगी। यस सर, ऐसा ही है। जिस तरह अभी हमने देखा था, ओके, तकरीबन सारा सिंटैक्स एक ही तरह का है, जिस क्रिएट एग्जैक्टली, करना और वो सब कुछ। ओके, तो सर जफर भी हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सर से पूछ ले, क्लास तो खत्म हो गई है। हाँ जी, अमेजिंग सेशन, बहुत जबरदस्त हैंड्स ऑन सेशन था, मैंने भी कुछ नई चीजें इसमें सीखी। थैंक यू सर। तो इट इज ऑलवेज गुड टू अटेंड दीज सेशंस, क्योंकि बंदे को कुछ ना कुछ नया पता चलता रहता है, एंड दैट्स हाउ सीनियर गाइस कैन कीप देमसेल्व्स अपडेटेड। अभी माशाल्लाह इस साल आप लोग देख रहे होंगे हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर आया है, और इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉर गुड न्यूज़। और वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट देयर I-20, तो I-20 बेसिकली वो फॉर्मल एडमिशन ऑफर होती है जो यूनिवर्सिटी देती है, जिसके बाद आप US में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट्स, अगर बाकी किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो। तो बाकी अब व्हाट्सएप में अपडेट्स कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ, सॉर्ट ऑफ जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं, जो नई लर्निंग्स होती हैं। डी एनीवन क्वेश्चन, फीडबैक, कुछ व्हाट वी कैन इम्प्रूव? सर मेरा एक क्वेश्चन है, AI जिस तरह ग्रो कर रही है, तो आपको क्या लगता है 5 साल बाद इंजीनियर्स नहीं होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स? नहीं जी, 5 साल बाद तगड़े इंजीनियर्स होंगे, हाईली पेड इंजीनियर्स होंगे। AI उन लोगों को रिप्लेस करेगी जो AI यूज नहीं करते, और उन इंजीनियर्स की बहुत मांग होगी जो AI को यूज कर रहे होंगे अपनी जॉब करने के लिए। यस सर, जिस तरह कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, हर रोज, जिस तरह डिस्कॉर्ड ने अपना 17% वो एम्प्लॉयज ले ऑफ कर दिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सर क्या कहते हैं इस? देखें, पानी अगर खड़ा हो ना तो स्मेल करना शुरू कर देता है, तो जो कंपनी ले ऑफ नहीं करेगी रेगुलरली वो कंपनी खुद बंद हो जाती है। तो हमारे कंट्री में जो मसला है कि लोग परफॉर्म नहीं करते, उसकी रीजन ये है कि ले ऑफ नहीं होते। तो ले ऑफ से एक तो ब्लड सर्कुलेट होता है, यंग ब्लड, स्किल सेट सर्कुलेट होता है कंपनीज के दरमियान, और फिर जो बंदा ढीला पड़ गया होता है उसे नेक्स्ट जॉब ही नहीं मिलती, लेकिन जो बंदा अच्छा होता है उसे नेक्स्ट जॉब मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। तो ले ऑफ इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, और ले ऑफ की वजह से ही US जो है वो पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। यूरोप क्यों पीछे रह गया? यूरोप में ले ऑफ नहीं होते, तो लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। Does it make sense? तो लेकिन जो कंपनी सारी की सारी हैं वो इस वक्त भी फ्रेश ग्रेजुएट्स को बहुत अग्रेसिवली हायर कर रहे हैं, तो ले ऑफ डजंट मीन कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर नहीं हो रहे, सही है? यस सर।
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आपको लीड कोड आता है, आपको काम आता है, तो यू विल बी इन हाई डिमांड। उसकी रीजन है कि आपको लर्न करना आ गया, आप कोई भी नई चीज पकड़ के खुद पढ़ के उसे काम कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कंपनीज नीड। यस सर। लाइक सर, मैं एक कमेंट ऐड करना चाहूँगा बाकी लोगों के लिए। लाइक लीड कोड जो है, अगर आपको आता है तो आप बाकी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे बिल्कुल आज मैंने वर्कशॉप दिया टेराफॉर्म और AWS और S3, ये मुझे बहुत मुश्किल किसी दौर में लगता था, लेकिन ये सारा मैंने डॉक्यूमेंट से देख के और इधर उधर से देख के कुछ ChatGPT यूज़ करके तो उधर से मैंने किया है, तो ये बहुत जल्दी मैंने कर लिया था। शायद इसी वजह से कि मुझे डाटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। लेकिन इस बिल्कुल सब स्किल लीड कोड जो आता है बिल्कुल। मुश्किल वाला जो न्यूरल नेटवर्क था जो कल हमने इम्प्लीमेंट किया था, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर किया है, तो वो भी शायद एक वजह थी कि उसके अंदर, आप न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी आप देखें तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ हो रही है। अगर आपको कोड की समझ आना शुरू हो जाती है, अगर आपने लीड कोड किया हुआ, अगर आपने लीड कोड नहीं किया हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई काम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकें। आप बस कॉपी पेस्ट करेंगे गूगल से, तो आसान आसान चीजें तो चल जाएंगी, मुश्किल चीज कभी नहीं चलेगी, ना कभी बनेगी आपसे। तो जिस तरह भी आज अब रिलेट कर पा रहे मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को, तो जो पाकिस्तान में कंपनीज ग्रो नहीं कर रही है, उसका एक मसला ये है कि हमारे इंजीनियर्स को लीड कोड नहीं आता। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। कोई और कमेंट? तो अरीब मोसानी, आप कहाँ से हैं? मैं कराची से हूँ। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, मैं कराची से हूँ। कराची से, सही है। तो ओके, अगर किसी को क्वेश्चन है तो लेट्स कॉल इट अ डे। तो थैंक यू आजिद, ओके, थैंक यू चलिए, एवरीवन। थैंक फॉर मेकिंग इट हैपन। ग्रेट फॉर अ फ्लॉप। अल्लाह हाफिज़।